अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे भगवान जी, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने? हदीना दुखा तो सोचना चाहिए था। यादवी को सृष्टि की मर्यादा का एहसास हो या ना हो, लेकिन मुझे ध्यान रखना चाहिए था। बस हरि और मुनीषा के बीच में कुछ हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं भगवान जी प्लीज। लेकिन आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले? और तुम इनको मेरे रूम तक यहाँ कैसे ले आए? I'll sue you. मैं तुम्हारी इस पूरी प्रॉपर्टी पे केस कर दूंगा। ये है इनकी बीवी। ये बेहोश नहीं हुई थी क्या? वापस कैसे आ गई? सबूत तो मिल गया, बीवी कमरे के बाहर और ये दूसरी लड़की के साथ। माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर, तमीज से बात कीजिए आप। जो कमरे के अंदर इतना बड़ा कांड कर रहा है वो तमीज सिखा रहा है। शट अप प्लीज। सर आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। और आरवी तुम अभी कुछ मत बोल। आरवी तुम चुप रहो, सुना? तुम बीच मत आओ। ए पीछे पीछे पीछे, अभी बड़ा भाषण दे रहा था तमीज पे, ऐसे बात करते अपनी बीवी से? कितनी इज्जत करता है वो दिख रहा है मुझे। कांस्टेबल अरेस्ट करो। एक सेकंड, कोई हाथ नहीं लगाएगा मुझे। जानते नहीं हो मैं कौन हूं? एक रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता हूं मैं। रिप्यूटेड फैमिली? भाई ऐसे बहुत रिप्यूटेड फैमिली देखे हैं मैंने, जिनके कच्चे चिट्ठे 5-स्टार होटल में खुलते हैं, और बहुत काले चिट्ठे खोले हैं मैंने इस होटल के कमरे में। तू क्या चीज है? अरेस्ट करो और लेके चलो थाने, इसकी अकड़ निकालते वहीं पर। हे भगवान जी, अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं ये सब? बात पुलिस तक पहुंच गई है। घर में अगर दादी दादू को पता चल गया कि आरवी मोनिशा के साथ ऐसे रूम में था तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। एक सेकंड, मैंने कहा ना कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरेस्ट नहीं कर सकते आप लोग मुझे ऐसे। मुझे पहले मेरी फैमिली को फोन करना है। हटो, कोई हाथ नहीं लगाएगा मुझे। Just talk to my... बेटा करने के लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तू अपना मुंह बंद रख। और तुझे रंगे हाथों पकड़ा है मैंने, और फोन के लिए तो बिल्कुल मत बोलना। अब आने दो तुम्हारी फैमिली को यहाँ पे ढूंढते हुए। सर ऐसा मत करिए ना, आप एक बार बात सुन लीजिए प्लीज, इसे जाने दीजिए। कैसी वाइफ है आप? ऐसे गए गुजरे और धोखेबाज पति को बचाने की जरूरत नहीं है आपको। एक ही होटल में रहते हुए आपको कहीं बाहर भेज दिया और ये यहाँ पे ये सब कर रहा था। Excuse me? आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे मेरे बारे में, ब्लेम लगा रहे हैं मुझ पे। आपको सच पता है मैंने नहीं भेजा था इसे, ये खुद चली गई थी। मैं काम करती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, शायद बेटर लगे। ये वॉशरूम का बोल कर गई थी और इतनी देर तक रूम में नहीं आई, क्यों? इसका मतलब कहीं लिसन, तुम बहुत बोल लिया, अब थाने चलो, अरेस्ट करो। आपने मोनिशा को अरेस्ट किया है? हाँ हमने अरेस्ट किया है। पूछ सकती हूँ किस इल्जाम में? ओ मैडम आवाज नीचे, और मैं आपको क्यों बताऊँ, आप हो कौन? बहन हूँ मैं उसकी। ओ तो आप हो मोनिशा की बहन, तब तो आपको बताना बहुत जरूरी है कि उसकी सच्चाई क्या है। क्या सच्चाई है उसकी? सच्चाई ये है कि जिस हाल में पकड़ा है आपकी बहन को, शर्म आ जाती है आपको देखकर। एक पराए आदमी के साथ मुझे मिली होटल के कमरे में, एक शादीशुदा मर्द के साथ। हाँ तो आपको क्या मतलब है उससे? उन दोनों का पर्सनल मैटर है ना वो। मैडम पर्सनल और क्वेश्चनेबल में फर्क हमें पता है, और हमें कोई शौक नहीं है कि किसी के पर्सनल मैटर में दखल दे। हमें फोन आया था कि राजवंश नाम का आदमी उस होटल में गलत काम कर रहा है, अलग अलग लड़कियों को ला रहा है, और आपकी बहन वहां उसके साथ बहुत ही शर्मनाक पोजीशन में ली। इतना काफी है या और खुल के बोलूं? अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूं मैं, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है वो। रंगे हाथों पकड़ा है उसे। हम तो जान गए कि आपकी बहन कैसी है, आप भी जान लो। Excuse me. बहुत घटिया इल्जाम लगा रहे हैं आप, माइंड यू बहुत गलत कर रहे हैं आप। आपकी भी अकड़ कम नहीं है, आप और आपकी बहन बिल्कुल एक जैसी। हे हे हे,
व्हाटएवर इज योर नेम, पता नहीं है मैं कौन हूँ। बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, आपकी बदतमीजी ना बहुत भारी पड़ेगी आपको। ओ मैडम, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और भारी और हल्का जो करना है कर लीजिए। हम आपसे तब से अच्छे से बात कर रहे हैं और आप मेरे सर पे चढ़ी जा रही है। पुलिस अगर अपने पे आ गई ना तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। अगर ये बात घर पे पता चल गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पेशली माँ, उन्होंने एक बार नहीं बार बार कहा था आरवी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यहाँ तो आरवी जेल में है। नहीं 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 नहीं, नहीं। इस बात को यही रफा दफा करना पड़ेगा। मिस्टर नीलेश, आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे रिएक्ट किया, मैं बहुत स्ट्रेस में थी। वो एक्चुअली मुझे लगता है कि आपको ना बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है कोई, मतलब मेरी बहन से हो सकता है गलती हुई हो, लेकिन वहाँ जाने के लिए उसका कोई गलत मकसद नहीं था, समझ रहे हैं आप? मतलब वो आरवी के कमरे में अगर गई है तो कोई वजह रही होगी ना, कोई ज़रूरी काम रहा होगा, और आपको तो शायद बताया नहीं, दोनों ने एक ही परिवार से हैं, आरवी तो मेरा देवर है और मोनिशा मैंने आपको बताया मेरी बहन। अब आप रिलीज़ कर दीजिए ना प्लीज़, गुस्सा मत कीजिए, प्लीज़ जाने दीजिए ना। आ गई लाइन पे, अभी तो बड़ा धमकी दे रही थी, भारी पड़ेगा भी हल्का कैसे हो गई, और आप और आपकी बहन दोनों बिल्कुल एक जैसी हो, बदतमीज और घमंडी। अगर अभी मोनिशा अंदर ना होती ना तो तुझे बताती बदतमीजी किसे कहते हैं। देखिए, बहुत ही रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ दोबारा से, आप जैसा समझ रहे हैं ना वैसा है नहीं, इसलिए प्लीज दोनों को जाने दीजिए, दोनों को रिलीज कर दीजिए, बी अ गुड पुलिसमैन प्लीज। जज हो, कोर्ट से ऑर्डर लाए हो क्या? यहाँ पे मैंने इसको गार्डन में घुमाने के लिए लाए हैं। जाइए, किसी वकील को लेके आइए और उसका बेल करवाइए, और मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। जाइए, किसी वकील को साथ में लेके आइए यहाँ पे। वकील? इसका मतलब अब सबको सब सच पता चल जाएगा कि मोनिशा आर्मी जेल में है और क्यों है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्या करूं, कैसे बचूं अब? आरवी जेल में है। जेल में है क्यों? पुत्र ये तो क्या कह रही है, आरवी जेल में? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने और तुम्हारे दद्दू ने वीडियो कॉल से बात करी थी, उनके साथ करी थी ना। हरलीन, तुझे किसने बताया कि आरवी जेल में है? मुझे दीपिका ने बताया, दीपिका ने बताया मुझे। उसे कैसे पता? मुझे इतना सब कुछ नहीं पता, बस दीपिका ने ये कहा कि मोनिशा और आरवी दोनों जेल में बंद हैं। मोनिशा? तो क्या कह रही है हरलीन? वही तो, मोनिशा आरवी के पास कैसे पहुंच गई? मुझे इतने सवालों का जवाब नहीं पता है, मुझे बस ये पता है दीपिका ये बता रही थी कि उनके होटल पे रेड पड़ी, और फिर Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।